अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। शिमला में कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त की अगुवाई में पेट्रोल पंप पर बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से पेट्रोल पंप कैथू तक रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया। संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़े हैं, जिससे लोगों पर कोविड के साथ महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी की केंद्रीय सरकार कोविड-19 के दौर में महंगाई पर काबू पाने में असफल रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पिछले 3 सालों में यह दाम 500% बढ़ गए हैं। मोदी सरकार गरीब जनता के पैसों को इकट्ठा कर कहां खर्चा कर रही है, इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। कोविड व महंगाई की दोहरी मार जनता पर पड़ रही है। पिछले 1 साल के दौरान पेट्रोल डीजल के कीमतों में 25 रुपए से अधिक बढ़ोतरी की गई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रही है। यह एक सांकेतिक धरना है। सरकार अगर कीमतों को कम नहीं करती तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। PLTV के लिए शिमला से पुष्पिंदर की रिपोर्ट।